ये लीजिए। कितने का है? 5,000। ठीक है, मैं तुम्हें 2,500 दे देती हूँ, तुम ऑनलाइन करवा देना। 2,500 नहीं, आप दोगी 3,000 और मैं दूंगी 2,000। क्यों, हमेशा से तो हम आधा आधा देते आ रहे हैं ना? हमेशा से तो हम पागल बनते आ रहे हैं ना, पर अब नहीं बनेंगे। आप तीन जने हो मुन्ना के समेत और हम दो, इसलिए आप 3,000 दोगी और मैं 2,000 दूंगी, और आप ये बिजली का बिल जमा करवा देना। रुको, तुम ये कैसी पागल बातें कर रही हो? पिताजी हमेशा पानी का बिल और बिजली का बिल आधा आधा किया करते थे। पिताजी की बातें है ना, उनके साथ ही चली गई। अच्छा, तो तुम फैमिली के मेंबर गिन रही हो ना, तो इस हिसाब से तुम्हारे मम्मी पापा पिछले 15 दिन रह के गए थे, उनका भी हिसाब जोड़ो। ओ हेलो, मेरे मम्मी पापा का नाम है ना, अपनी जुबान पे भी मत लाना। और वो आते है ना, मेरा खाते है, तुम्हारा कुछ नहीं खाते। देखो, तुम छोटी हो ना तो छोटी बन के रहो, अपनी हद पार मत करो। छोटी बड़ी की बात मत करो, मेरा पति है ना तुम्हारे पति से ज्यादा कमाता है। अच्छा, ज्यादा कमाता है फिर भी रो रही हो, तो करो ना आधा आधा, मैं 3 देती हूँ तुम 2 दे दो, ये क्या लगा रखा है? क्यों करूँ मैं आधा आधा, मेरा पति ज्यादा कमाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे ही लुटा दूँ सारे पैसे। यार देखो ना भैया, आज फिर वो लड़ने लग गई, वो बिजली का बिल आया ना उसके कारण। भाई तू चिंता मत कर, तुझे याद है ना पिताजी ने मरने से पहले क्या कहा था, कि तुम दोनों भाई अगर एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे, तो ये औरतें चाहे कितना भी झगड़ ले, कितना कुछ भी कर ले, लेकिन तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा और ये परिवार हमेशा एक रहेगा। मगर भैया, ये रोजाना का जो क्लेश होता है ना घर में, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तुम इसकी चिंता छोड़ो, मैंने इसका समाधान कर दिया है, आज के बाद ये दोनों औरतें इस घर में कभी लड़ाई नहीं करेगी। ऐसा क्या कर दिया भैया आपने? अरे बस तुम देखते जाओ। तेरा पति इतना ही कमाता है तो अलग मकान बना के रहो ना। क्यों रहूं मैं अलग मकान में, तुम क्या ये मकान दहेज में लेके आई थी? और करना ही है ना तो इस मकान का बंटवारा करो। सुनिए, वो विकास सर हैं घर पे? हाँ जी हैं, पर आप कौन? उनसे बोलिए कि एडवोकेट प्रदीप आए हैं। ओके, आप आइए, मैं बुलाती हूँ। सुनिए, आपसे मिलने कोई वकील साहब आए हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। सुन भाई, तू पूछ रहा था ना कि आपने क्या किया है, चल दिखाता हूँ तुझे तमाशा, आजा मजा आएगा। चलो भाई। जी आप ही है विकास सर? जी हाँ, बताइए। जी मैं आपके पिताजी का वकील हूँ, और आपके पिताजी ने मरने से पहले वसीयत लिखवाई थी, उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के 6 महीने बाद में ये वसीयत आपको पढ़ के सुना दूँ, अगर घर के सारे मेंबर आ गए हैं तो क्या मैं वसीयत पढ़ दूँ? हाँ बिल्कुल, ये मेरा छोटा भाई है और ये बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है वसीयत में। देखिए जैसा इसमें लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद अगर मेरे दोनों बेटों में आपसी लड़ाई होती है या अनबन रहती है और उनकी दोनों पत्नियों में झगड़ा होता है, तो ये पूरा मकान और पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आपस में आपकी लड़ाई तो नहीं होती, आपस में प्रेम तो है आपका? जी नहीं, हम दोनों भाइयों में तो कोई झगड़ा नहीं होता, बाकी आप इनसे पूछ लीजिए। और आप दोनों में झगड़ा होता है या प्यार से रहते हो आप दोनों भी? नहीं नहीं वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप, ये तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी है ना दिव्या? हाँ हाँ वकील साहब, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। अच्छा अच्छा, लेकिन घर में तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, आप दोनों में नहीं होता? नहीं नहीं वकील साहब, बिल्कुल नहीं, है ना दिव्या? हाँ। अरे भैया आज ये क्या हो रहा है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जो सस्पेंस था ना मेरा वो यही है, और ये कोई वकील नहीं है, पुराना दोस्त है मेरा, थिएटर करता था, इसकी एक्टिंग वहाँ तो काम आई नहीं, आज यहाँ काम आ गई। अरे वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा ठीक है विकास सर, मैं चलता हूँ, और हाँ मैं हर 6 महीने आता रहूँगा ये चेक करने के लिए कि आप लोग प्यार से तो रह रहे हो, आपस में आपका कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा। याद रखना, अगर आपस में आपका झगड़ा हुआ ना तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ हाँ वकील साहब, आप हर 6 महीने बाद आते जरूर रहना। घर की औरतों को कभी भी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, वरना वो झगड़ा करके कभी भी पूरे घर को बर्बाद कर सकती है।